तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का टॉपिक, ठीक है? पोटेंशियल एनर्जी। तो तुम लोगों को बोले हुए थे पढ़ के आने के लिए, तो कुछ आइडिया लगा है क्या? कुछ अगर शेयर करना चाहो तो करो, फिर तो हम एक्सप्लेन करेंगे। बोलो क्या आइडिया लगा था, ब्रीफली कुछ भी बोलो, कोई भी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ऑर्डर बाय कंजर्वेटिव फोर्स। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मनीषा तुम भी कुछ बोलना चाह रही हो क्या, इसमें ऐड करना चाहोगे कुछ? जी भैया, जो यूएफ माइनस यू इनिस फाइनल माइनस यू इनिशियल इक्वल टू माइनस हो जाता है वर्क डन। हाँ मतलब देखो, चलो सही, बिल्कुल सही है, दोनों लोग सही बोल रहे हो, एक ही चीज बोल रहे हो, ठीक है। यूएफ माइनस यूएफ मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो है वो नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स। इंटरनल वर्ड भी तुमको यूज करना होगा, इंटरनल। पहले बताते हैं तुमको, सबसे पहले हम वहां पे अभी डायरेक्ट नहीं जाएंगे, पहले बता रहे हैं उसको डिफाइन करने का जरूरत के ऊपर है, ठीक है? जरूरत के ऊपर उसके हम लोग आते हैं। तो देखो सबसे पहले कंसिडर करते हैं हम लोग फ्री फॉल, नाइन्थ में ही पढ़े हो, ठीक है? तो वही सिंपल एक्सप्लेन करेंगे, सबसे इजी एग्जांपल है, ठीक है? तो वहां सबसे पहले ध्यान दो, कंजर्वेटिव ही लिखा गया है पोटेंशियल एनर्जी। तुम कंजर्वेटिव के लिए वर्ड देखो, कंजर्वेटिव यूएफ माइनस यूआई इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव के लिए हम पोटेंशियल डिफाइन किए हैं, बोला गया हम तुमको जस्टिफाई करते हैं, ऐसा क्यों बोला जाता है, नॉन कंजर्वेटिव में क्यों डिफाइन कर पाते? तो देखो पहले कुछ देर के तुम भूल जाओ कि पोटेंशियल एनर्जी नाम का चीज भी कुछ होता है इस दुनिया में, ठीक है? मान लो ये तुम्हारा कोई बॉल या पार्टिकल कुछ ही मान लो, ये तुम्हारा ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड, ठीक है? ये ग्राउंड है, ठीक है? यहां से मान लो एक बॉल को हम इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड दे दिया, 20 मीटर पर सेकंड हम इसको स्पीड दे दिया इनिशियली, 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है? अब क्या होगा देखना गौर से, यह बॉल 20 मीटर पर सेकंड है, इसके अगेंस्ट ग्रेविटी लग रहा है माइनस ही, तो सब लोग जानते हो कि जाएगा और मैक्सिमम हाइट के क्या जाके इसका स्पीड कितना हो जाएगा, बोलो? जीरो, यानी फाइनल वेलोसिटी इसका जीरो होने वाला है एट मैक्सिमम हाइट। ये सब लोगों को ऑब्वियस होगा, ठीक है? ये हो गया। अब सोचो गौर से, जब ये यहां से यहां तक गया है, इनिशियल वेलोसिटी 10 दिए थे, इसके अगेंस्ट जी लग रहा था, तो 10 से घटते घटते फाइनली इसका वेलोसिटी कितना हो गया, स्पीड बोले सॉरी, मैग्नेटो वेलोसिटी कितना हो गया, जीरो। तो बीच में अगर देखो, यानी इसको मान लो इनिशियल एक सेकंड को, इसको मान लो फाइनल, हम ये बोल रहे हैं कि बीच में 10 से जीरो के बीच जितना भी नंबर होगा सारा स्पीड अचीव किया होगा, समझ पा रहे तुम लोग? 10 से 9.9 हुआ होगा, 9.8 हुआ होगा, 9. सारा रियल नंबर 10 और जो भी जितना भी पॉसिबल रियल नंबर है सारा वैल्यू जिस ये लिया होगा, अगर स्पीड का बात करें तो। ये समझ पा रहे हो भाई? 10 से 0 हुआ तो सडन 10 से 0 नहीं हुआ है, कंसेक्यूटिव हुआ, 10 से घटते 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 0 हुआ, तो 10 से 0 तक का सारा स्पीड ये अचीव किया होगा ये अपने जर्नी में, यहां से वहां तक जाना। ये तो यहां तक सब लोगों को समझ में आ रहा है। अब हम क्या किए, हम बोले बीच में कहीं पे इसका स्पीड 5 मीटर पर सेकंड भी तो हुआ ही होगा, कहीं पे हुआ होगा, मान लेते हैं यहाँ पे इसका स्पीड कहीं पे, मैं नहीं पता कहाँ पे हुआ है, मान लो कहीं पे इसका बीच में हुआ होगा 5 मीटर पर सेकंड, 10 से घट के 5 हुआ होगा, फिर फाइनली 5 और घटते घटते 0 हो जाएगा। 5 जस्ट ले रहे हैं, मतलब 10 का आधा ले रहे हैं, बस रैंडमली ले रहे हैं हम, ठीक है? तुम कुछ और भी ले सकते हो, तुम कुछ और भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? अब देखो इनिशियली 10 था, बॉल ऊपर गया, बीच में कहीं इसका स्पीड 5 हुआ, फिर फाइनली घटते 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 टॉप पे जाके 0 हो गया। हम तुमसे पूछे, देखना गौर से समझना बात को, इनिशियली इसका काइनेटिक एनर्जी कितना है, बॉल का मास 1 केजी मान लो, जस्ट क्विकली बोलो सब लोग, करो कैलकुलेट, हाफ इंटू 1 इंटू 20 स्क्वायर, 200 जूल। हम ये बता रहे हैं कि पोटेंशियल लाना क्यों पड़ा, ठीक है? हालांकि क्वेश्चन सॉल्व करने के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट तुमको थोड़ा सा फील आएगा वहां से कि अचानक से नया एनर्जी लाना क्यों पड़ा, 200 जूल, ठीक है? हम टॉप पे बोले इसका काइनेटिक एनर्जी कितना, तुम बोलो भैया टॉप पे जाके ये रुक गया तो इसका काइनेटिक एनर्जी 0 है। अभी पोटेंशियल एनर्जी का बात नहीं कर रहे, चूंकि हमें पता ही नहीं पोटेंशियल एनर्जी कुछ होता भी, हम सिर्फ काइनेटिक एनर्जी जान रहे हैं,
यहाँ पे सिर्फ करंट एनर्जी, इसको इसको बोलोगे तो हम इसको हटा ही देते हैं अभी। पोटेंशियल एनर्जी पर ध्यान ही मत दो अभी, उसका डिस्कशन हम लोग नहीं कर रहे। ये तुम्हारा इनिशियल करंट एनर्जी यहाँ पे 200 जूल था, हाफ एमवी स्क्वायर, मास मान लिए 1 केजी का ही है। चलो बीच में 5 है, यहाँ पे करंट एनर्जी कितना होगा, हाफ इंटू 1 इंटू 5 स्क्वायर 25/2 12.5 जो भी बोल लो, ठीक है 25/2 ये जूल इतना। अब सुनना गौर से, अब होगा क्या ध्यान देना, बॉल यहाँ से गया, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी पे ध्यान दो, 200 जूल का काइनेटिक एनर्जी था, जाते जाते टॉप पे तक एनर्जी कितना हो गया, जीरो जीरो। फिर जब ये बॉल नीचे गिरेगा तो यहाँ पे अगर वापस का एनर्जी कितना हो जाएगा, 200 ही। सोचो गौर से एक सेकंड को भाई, यहाँ से जब ये यहाँ गया तो 200 से जीरो हो गया, फिर वापस आया तो ऑटोमेटिक वो 200 अचीव कर लिया। हम तुमसे ये बोले कि जब ये यहाँ था और यहाँ से जब ये यहाँ गया 200 से जीरो हो गया, इसका काइनेटिक एनर्जी कितने से घट गया, 200। तुम ये 200 गया कहाँ भाई, पता ही नहीं चल रहा हमको तो, ये 200 गया कहाँ। अभी पोटेंशियल को भूल जाओ, काइनेटिक में बात करो, हम बोल रहे हैं नीचे भेज 20 से 200 जूल काइनेटिक एनर्जी था, जब टॉप पे गया तो उसका फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गया, काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गया, 200 से जीरो हो गया, 200 घटा, घटा तो गया कहाँ, रीजन बताओ, क्या रीजन दोगे तुम बताओ। पोटेंशियल एनर्जी वर्ड यूज नहीं करना अभी, एयर फ्रिक्शन में लॉस हो गया, नहीं एयर फ्रिक्शन तुम कंसीडर नहीं किया, जब हम सॉल्व करने के लिए तुमको बोले कि जी सिर्फ मान रहे, तो फिर तुम एयर फ्रिक्शन कंसीडर ही नहीं किए। ये भी लग रहा है फोर्स ऑफ ग्रेविटी डाउन हो रहा है, लग रहा है बिल्कुल सही। देखो अगर पोटेंशियल वर्ड यूज नहीं करो इसका मतलब ये हो रहा है, वो कह रहा है समझो गौर से, ये यहाँ से यहाँ गया 200 से जीरो हो गया, लेकिन वापस आया तो वापस से अपना एनर्जी रीगेन कर लिया, हो हुआ क्या होगा टेम्पररी कुछ देर के लिए इसका जो ये 200 घटा है ना वो किसी और एनर्जी के फॉर्म में चला हो गया होगा, ऐसा हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, ऐसा हम लोग को मानना पड़ा कि भाई 200 से जीरो हुआ, 200 घटा, लेकिन वापस से आया तो 200 गेन कर लिया, इसका मतलब कुछ देर के लिए जब ये ऊपर जा रहा था तो इसका जो एनर्जी घट रहा है वो एक्चुअली किसी और एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो रहा होगा, और वापस से वो स्टोरेज हो हुआ है वो वापस से फिर इसको मिल गया होगा जब नीचे आया होगा। तो यहाँ से सोचना पड़ गया कि कोई और एनर्जी का फॉर्म हम लोग को डिफाइन करना होगा, नहीं तो फिर ये एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे कि 200 से जीरो तो 200 गया कहाँ, 200 से जीरो हुआ तो 200 गया कहाँ। तो जो नया एनर्जी आया, देखो गौर समझना गौर से, वो जो भी नया एनर्जी होगा, नाम अभी उसका हम नहीं दे रहे हैं, नाम उसी का पोटेंशियल एनर्जी दे दिया गया, बट जो भी नया एनर्जी है वो ऐसा हमको दिख रहा यहाँ से जब यहाँ गया 200 से जीरो हुआ 200 घटा, तो वो जो 200 घटा का एनर्जी ना वो 200 जाकर स्टोर हो गया होगा वो नया एनर्जी के फॉर्म में, उसका नाम जो भी बोल दो, हालांकि पोटेंशियल जब बोलेंगे उसको, फिर जब वापस वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ रहा है तो वापस से काइनेटिक एनर्जी उसका क्या हो जा रहा है, 200 का 200, यानी पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है वो जो भी नया एनर्जी का फॉर्म है, सिस्टम का पोजीशन क्या है, कॉन्फ़िगरेशन क्या है, किस लोकेशन पे है, इसी को समझो हम बोलना क्या चाह रहे हैं। ये 200 यहाँ हुआ, ये 200 से घट के यहाँ पे जीरो हुआ, तो हम बोलेंगे भाई यहाँ पे 200 घट गया, ये 200 जाके स्टोर हुआ होगा कोई नए एनर्जी के फॉर्म में, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में तो स्टोर हो नहीं पाया, काइनेटिक तो जीरो हो गया, तो 200 था तो गया कहाँ, एयर फ्रिक्शन मान नहीं रहे कि कहीं लॉस होगा, एयर फ्रिक्शन तो हम लोग मानते ही नहीं फ्री फॉल में, सिर्फ जी मानते हैं, ग्रेविटी के अंदर ही मानते हैं, तो कहीं लॉस भी नहीं हुआ, गया कहाँ, तो कोई नया एनर्जी के फॉर्म में 200 जाके स्टोर हो गया होगा। फिर वापस क्या हुआ होगा, जब ये नीचे आया होगा तो यहाँ पे एनर्जी कितना हो गया, 200। तो ये 200 जो नया एनर्जी फॉर्म में स्टोर हुआ था ना वो घटने लगा और वो कन्वर्ट किस में होने लगा, काइनेटिक एनर्जी। तो ये जो भी नया एनर्जी 200 है ये घट रहा है क्यों, क्योंकि ये अपना पार्टिकल पोजीशन चेंज कर रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है, लोकेशन चेंज कर रहा है, कॉन्फ़िगरेशन वर्ड इसके लिए यूज करते हैं हम लोग, बुक लैंग्वेज के फ्रेंड्स बात करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सिस्टम। तो ये जो भी नया एनर्जी का फॉर्म है वो जो भी है वो इतना पता चल गया कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड कर रहा है, जो ही वो अपने ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन पे आ रहा है वापस से उसका एनर्जी रिस्टोर हो जा रहा है, तो यानी ये जो भी एनर्जी है वो वेस्ट नहीं हो रहा, वापस से रिकवर हो जा रहा है, ऐसा नहीं कि हमेशा के लिए तुम्हारा सिस्टम लॉस कर दे रहा है उस चीज को, ठीक है। तो यही जो नया एनर्जी का फॉर्म है इसको पोटेंशियल एनर्जी बोले, सेम डिस्कशन, इसी डिस्कशन को
तुम फ्रिक्शन अगर कंसीडर करो हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे, उसके लिए कंसीडर करो, तो तुमको दिखेगा क्या फ्रिक्शन जो लॉस करता है ना वो हमेशा के लिए लॉस ही हो जाता है। हालांकि धीरे धीरे क्लियर होगा, जस्ट हम थोड़ा मतलब उसके ये पे जा रहे हैं, ठीक है। हालांकि क्वेश्चन सॉल्व करने में इसका बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगा डिस्कशन का, बट जस्ट फील के लिए बोल रहे हैं। फ्रिक्शन जो लॉस कराता है ना वो रिकवर नहीं हो पाता, तो फ्रिक्शन कौन सा फोर्स है? नॉन कंजर्वेटिव। और यहाँ पे ग्रेविटी लग रहा है, ग्रेविटी कौन सा फोर्स है? कॉन्स्टेंट फोर्स है यार, कंजर्वेटिव। तो इसीलिए बोला गया कि भाई कंजर्वेटिव नया एनर्जी का फॉर्म डिफाइन करो। तो जो तुम लोग बुक में पढ़ के बोल रहे हो भैया चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वॉल्टन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स, रीजन उसका यही है। जो भी नॉन कंजर्वेटिव डिफाइन कर दोगे उसका कोई सेंस ही नहीं बनेगा और वेस्ट ही हो जाएगा, मतलब सिस्टम से ही भाग जाएगा। इसीलिए हम लोग कंजर्वेटिव इंटरनल फोर्सेस के लिए डिफाइन करते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पहला बात तो ये डायग्राम बनाओ, डिस्कशन खुद से घर पे लिखना, जस्ट फील के लिए था डिस्कशन। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कैलकुलेशन करेंगे फॉर्मूला निकालेंगे उससे क्वेश्चन। अब मेन जो तुम्हारा बुक वाला चीज है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। लिख लिए सब लोग? चलो तो अब देखो ये हो गया, जब मतलब जनरल एक आइडिया के लिए था, ठीक है। हालांकि जो हम बोले हो सकता है कुछ चीज तुम लोग अभी नहीं समझ में आओ, तो आगे जैसे चैप्टर ये बढ़ेगा तो हो सकता है धीरे धीरे तुम लोग को समझ में क्वेश्चन वगैरह करोगे तो ज्यादा, ठीक है। अब चलो अब ऐसा देखो गौर से इसके डेफिनेशन की बात करते हैं। तो पहला बात तो ये समझ लो, पोटेंशियल एनर्जी कभी भी हम लोग किसी सिस्टम के लिए डिफाइन करते हैं, पार्टिकल के लिए पोटेंशियल एनर्जी पूछना मीनिंगलेस क्वेश्चन है। कभी भी पोटेंशियल एनर्जी हम लोग सिस्टम के लिए निकालते हैं, और जब सिस्टम हम बोल रहे हैं इसका मतलब कम से कम कितना होना चाहिए उसमें पार्टिकल? दो या तीन या चार। सिंगल चीज के लिए तुम पोटेंशियल डिफाइन नहीं कर सकते हो। जो वो डेफिनेशन है, पहले डेफिनेशन लिखो, सबसे पहले डेफिनेशन लिखो, वहीं से कंक्लूड कर लेंगे। लिखो डेफिनेशन, लिखो डैश दो। डेफिनेशन की अगर बात करें पोटेंशियल एनर्जी का तो ये लिख लो सिंपल सिंपल, द चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम, द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इज डिफाइंड एज द टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन बाय एन इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स, बाय एन इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स। डेफिनेशन लिखो, डेफिनेशन पे फोकस करो, क्या बोलना चाह रहा वो। सबसे पहला दूसरा इसमें जो ध्यान देना पड़े वो सिस्टम, अगर लिखना चाहें तो चेंज बोल रहा है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम, किसी सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज होता है वह डिफाइन किया जाता है किसके इक्वल टू,
टोटल वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव, उस सिस्टम में जो कंजर्वेटिव फोर्स है ना, इंटरनल कंजर्वेटिव, अगेन ध्यान देना इंटरनल, तो ऑब्वियस ही बात है भाई सिस्टम होगा तभी वहां पे इंटरनल का कोई सेंस है। सिंगल चीज ले लो वहां पे तो सब चीज एक्सटर्नल ही हो गया, इंटरनल फोर्स हुआ कहां? तो कम से कम दो ब्लॉक या कम से कम दो चीज को लोग एक साथ, तब उन दोनों के बीच इंटरनल में कौन सा फोर्स लेना है? कंजर्वेटिव। अगर अंदर में फ्रिक्शन लग रहा है तो वो नहीं लेंगे जो फ्रिक्शन नॉन कंजर्वेटिव है। तो पोटेंशियल एनर्जी पहला बात किसी सिस्टम के डिफाइन करते हैं, और जब सिस्टम में बोल रहे हैं तो उसमें कम से कम दो पार्टिकल होना चाहिए। सिंगल पार्टिकल के पोटेंशियल एनर्जी पूछना क्वेश्चन ही मीनिंगलेस है। हम लोग सिस्टम के डिफाइन करते हैं, उस सिस्टम में जो इंटरनल में कंजर्वेटिव वाला फोर्स है उसका टोटल वर्क डन, ये भी जानना टोटल वर्क डन जो होता है वह होता है इक्वल, सॉरी डिफाइंड एज निगेटिव ऑफ, सॉरी यहाँ पे निगेटिव लिखो, निगेटिव ऑफ माइनस साइन के साथ लेना होता है। ठीक है, इक्वेशन लिखते हैं, टेंशन मत ले, लैंग्वेज हो गया, इक्वेशन लिखेंगे तो क्लियर होगा। चलो, तो वो जो वर्ड क्या बोलते हैं, पोटेंशियल में चेंज होगा वह तुम्हारा इक्वल टू होगा माइनस ऑफ वर्क डन के, किसका वर्क डन? इंटरनल कंजर्वेटिव वर्क डन। तो यहां पे इक्वेशन लिखो, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यहां ध्यान देना हम लोग जो डिफाइन किए हैं ये चेंज इन पोटेंशियल डिफाइन किए हैं, पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं किए। मतलब अगर हम यहाँ पे हैं, यहाँ से मुजफ्फरपुर गए, तो यह डेफिनेशन तुम्हें यह बता रहा है कि यहाँ से मुजफ्फरपुर तक जाने मेरा पोटेंशियल एनर्जी कितना चेंज हुआ, यह बता रहा है। वो यह नहीं बता रहा कि मेरा यहाँ पे कितना पोटेंशियल एनर्जी है और वहां पे कितना पोटेंशियल एनर्जी है, चेंज बता रहा है। जैसे हम सिंपल बोले एक नंबर है जो 6 से चेंज हो गया, सिंपल 6 से चेंज हो गया, इनिशियल वैल्यू उसका क्या था तुम नहीं बता सकते। हो सकता है इनिशियल 5 रहा होगा, बढ़ के वो 5 से 11 हो गया होगा, इनिशियल 10 रहा होगा, 6 बढ़ के 16 हो गया होगा। तो वही चीज यहाँ पे भी है, तुम अभी ये नहीं बता रहे हो डेफिनेशन की पोटेंशियल एनर्जी कितना है, तुम ये बता रहे हो कि सिस्टम जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक गया, एक कॉन्फ़िगरेशन से दूसरे कॉन्फ़िगरेशन में गया, तो उस कॉन्फ़िगरेशन चेंज होने से कितना पोटेंशियल एनर्जी चेंज हुआ ये बता रहे हो। लोकेशन 1 से लोकेशन 2 तक जाने में पोटेंशियल एनर्जी कितना चेंज हुआ ये बता रहे हो। लोकेशन 1 पे कितना पोटेंशियल एनर्जी नहीं पता, लोकेशन 2 कितना नहीं पता, दोनों के बीच चेंज हमें पता। ये कुछ ऐसा होगा x माइनस वाई तुम्हें पता है, x माइनस वाई इक्वल टू 10, बट x नहीं पता, y नहीं पता, वो कुछ भी हो सकता। चलो नीचे इक्वेशन लिखते हैं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी यू फाइनल, ऑब्वियसली जानते हो पोटेंशियल यू से डिनोट करते हैं, जान रहोगे होपफुली सर तुम लोग, नाइन्थ क्लास में जो था यू फाइनल, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ माइनस ऑफ कौन सा लेना है, वर्क डन इंटीग्रेशन, सॉर वर्क डन डेफिनेशन तुम जानते हो, वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स, वो इंपॉर्टेंट है। लिख लो कुछ तुम लोग, इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स लिखो इसको, ये तुम्हारा इसका इक्वेशन में लिख दिया हम लोग वही डेफिनेशन को, जहां पे यूएफ तुम्हारा क्या लिख लेना कॉपी में, यूएफ इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, यूएफ इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, और यूआई इज इक्वल टू इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, दूसरा तुम्हारे पास यू आई, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ठीक है, और दाहिने साइड में तुम्हारा क्या, वर्क डन बाय, सॉरी यहां पे टोटल भी लगा ही दो, टोटल इंटरनल वर्क डन जो है इंटरनल कंजर्वेटिव का कितना है। ठीक है, ये डेफिनेशन हो गया तुम्हारा। ठीक है, एग्जांपल से इलस्ट्रेट करेंगे तो सकता है ज्यादा क्लियर हो, और लिख लो जस्ट डेफिनेशन, फिर हम लोग एग्जांपल भी करेंगे, कोई टेंशन नहीं, ये लिख लो और नीचे नोट करके लिखो पॉइंट। सबसे पहला
देखो पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड डिफाइंड पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड फॉर ए सिस्टम ओनली किसी सिस्टम के लिए केवल डिफाइन कर पाते हैं कॉमा देके लिख लो कैन नॉट बी डिफाइंड फॉर ए पार्टिकल पार्टिकल डिफाइन नहीं कर सकते क्या रीजन होगा बताओ तो पार्टिकल क्यों नहीं डिफाइन कर पा रहे हैं बिल्कुल इंटरनल फोर्स का कोई सेंस ही नहीं बनता है तो आरएचएस का कोई सेंस ही नहीं बनेगा पार्टिकल लोगे तो इस इक्वेशन के चलो ठीक है ये हो गया और दूसरा पॉइंट लिख लो आगे डेफिनेशन से ही क्लियर है बट फिर भी लिख लो दूसरा पॉइंट ये लिख लो इट इज डिफाइंड करेस्पॉन्डिंग टू एन इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स इंटरनल में भी सारे फोर्सेस का नहीं लेना है तुमको सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस के करेस्पॉन्डिंग हम लोग पोटेंशियल डिफाइन कर पाते हैं तो यह जो भी इक्वेशन लिखे हो पहला बात ये सिस्टम के लिए है सिंगल चीज के लिए नहीं है कम से कम दो या दो से अधिक चीज होना चाहिए मोस्टली दो ही आने वाला है ग्रुपिंग में ठीक है जब सिस्टम लोगे तुम तो और दूसरा की इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए डिफाइन कर पाते हैं इसको डेल्टा यू भी लिख सकते हो जस्ट सिंबल का बात करो तो डेल्टा यू इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है तो वो लिख सकते हो तुम लोग जानते हो चलो ये तो पोटेंशियल जस्ट डेफिनेशन हो गया ठीक है।